और किसी के नहीं। हम नेक है, एक है, तो संबंध किसी के बाप के नहीं है हमारे। जस्तो गुरुजीले भन्नुभयो हामी नेट एक भन्नुभएको छ, एक भनेको कस्तो भारतमा नेपाल गाभिनु हो या नेपालमा भारत गाभिनु, त्यसलाई पनि लिने गरिन्छ राजनीतिक र रणनीतिक कुराले। भावनात्मक रूपमा एक हुने समाज भावनामा ओ भाइ बीचमा आउनु वही ऐसा है कि इस देश के अंदर हम नेपाली जनता अगर एक है तो जागृत हिंदू तो हम ही है। देखो हम वापस बोलते हैं, हम नेपाली है। अगर हम नेपाली हिंदू जागृतता एक है तो इसको कोई विवाद नहीं है। तो हिंदुस्तान सदा ही हमारा है, ना ही कभी वो दूर था ना कभी दूर होगा, क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान है, नेपाल हमारा हिंदू है और हिंदुस्तान हमारा है। तो इसमें विवाद कभी था नहीं और विवाद कभी रहेगा नहीं। यो धार्मिक कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी जस्तो कि म कोसिस गर्छु हिन्दी बोल्न, जैसे कि भारत से जितने भी गुरु महाराज लोग आएंगे पशुपति में पूजा पाठ करेंगे वो अलग सी बात हो, लेकिन आपने सीधा सीधा भारतीय प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे करना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन नेपाल के लिए नेपाल के लोग भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन क्यों उत्सव मनाएं? एक राजनीतिक तौर पर शुभकामना देना स्वाभाविक रहेगा, लेकिन इसकी दूसरी वजह से व्यक्ति को एक आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का क्या औचित्य रहेगा, जैसे कि धर्म गुरु को रहते हैं। बहुत बढ़िया बोला तुमने, अब मेरे सुनो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो नेपाल के जनता को अपनी जनता मानता है, और जब वो अपनी जनता मानता है तो उन्होंने दिल्ली के अंदर राजा का भी जन्म उत्सव मनाया, तो वो मेरा राजा है बोल के उन्होंने मनाया। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरा राजा बोल के इधर अगर उनका जन्म उत्सव मनाता है तो हमारी नेपाली जनता हमारा प्रधानमंत्री हमारा हितेशु प्रधानमंत्री और उसका जन्मदिन साझा करने में कोई उत्सव करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमें मानते हैं हम उन्हें मानते हैं, और एक दूसरा एक दूसरे को मानेगा तो एक कुटुंब का आदमी एक घर के अंदर बाप का बेटा मनाता है, ऐसा ये परंपरा है। और राजा यहाँ राजा है, अरे आप बोलो या तो मैं बोलूं। बोलिए जी, और ना बोल दिन नहीं। राजा राजा है और देश के अंदर वो हिंदुत्ववादी राजा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू है और वो हिंदुत्व को आज बढ़ावा देने के लिए हमारे जैसे को कहते हैं, स्वामी जी अगर नेपाल देश में कोई आप करना चाहे कोई चीज के लिए तो हम विनती करते हैं कि नेपाल का उद्धार कैसा होगा, नेपाल के अंदर समृद्धि कैसी आएगी। जब हमारे लिए अगर वो प्रधानमंत्री विचार करते हैं तो हमने उनका अगर जन्म उत्सव यहाँ मनाया तो उसमें बुरा क्या है, पूरा भारत मना रहे और उनको पूरे भारत ने तो हिंदू सम्राट बनाया है। देखो आज राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, आज ज्ञानमयी का आज रिजल्ट आया, ये कितने सालों से पड़ा था, उन्होंने कोई पक्ष नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए कई परसेंट मुसलमानों को उन्होंने काम दिया, रोजगार दिया, कई कंपनी में उनके पास इतना पैसा खर्च करके हैंडलूम का काम करवाने के लिए दिया,
छोटे छोटे कामगार को काम करने के लिए स्वतंत्र काम करने के लिए पैसा दिया, उन्होंने ये नहीं देखा ये हिंदू है या मुस्लिम है या और कोई है, उन्होंने देखा ये मेरा हिंदुस्तानी है और मुझे इसको देना है, उन्होंने कोई जात भाव देखा ही नहीं। जब वो किसी प्रकार का जात भाव नहीं देखते है तो हम क्यों ऐसा माने। हमारे कई मुसलमान भाई उनका जन्मोत्सव मना रहे, अभी से मनाना चालू किए, अभी से तैयारियां चालू है उनकी, तो वो उनका भाव है, उनके अंदर ऐसा कोई भाव ही नहीं है कि तुम अलग है मैं अलग है। वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी है आप मेरे और मैं तुम्हारा हूं। वैसे राजा का जन्मोत्सव मनाया, वैसे यहां अगर वो उनका जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं है, ये हिंदू सम्राट का काम है। अधिराजा तो यहां होके गए, अधिराजा तो राजा यहां है ही है, उनको भी हमने आह्वान किया है कि आप भी पशुपतिनाथ मंदिर में इस उत्सव में सम्मिलित हो जाइए, ऐसा नहीं है, हम सभी के साथ है और सभी का विकास करने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। कोई संत करे या नहीं करे पर जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज सदा ही करता रहेगा। जब से नेपाल में हिंदू अधिराज जी घोषणा नहीं है बोल के घोषणा किया गया, जब से गणतंत्र नेपाल में आया उसके बाद हिंदुत्व तो जो हिंदू जागरण के लिए जो प्रयास होती थी पहले जिस तरह से माना जाता था भारत में और नेपाल में, उसका जो नेपाल अधिराज्य भर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, आप लोग ने वो आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आज इस तरह आवाज़ उठाते यहाँ तक आ रहे हैं आप लोग। जब पहली बार नेपाल में गणतंत्र हुआ उस वक्त आप लोग ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। देखिए आपने बहुत बढ़िया पूछा मुझे, हमने उस समय भी आवाज उठाया जब तो पशुपतिनाथ मंदिर का बेल और फूल शुरू हुआ, ये हमारी ये जगत गुरु सूर्याचार्य जी की मेहनत है, आवाज नहीं उठाने वाला नहीं, ये आवाज उठाने वाला है। मैं नेपाल देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं पर हिंदुत्व मारने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सूर्याचार्य महाराज हिंदुत्व जिंदा रखने के लिए अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार है और मेरे सभी शिष्य लोग मरने के लिए तैयार है। ये मेरे शिष्य लोग हैं, मैंने इनको सिखाया है जीना है तो एक दिन मरना है, तो मरना है तो उस काम के लिए मरो जिसमें हिंदुत्व जागृत रहेगा, जिसमें आप मर भी जाएगा तो तुम मरे नहीं हो, तुम शहीद हो उस हिंदुत्व के लिए। इसलिए हिंदुत्व कभी मरेगा नहीं, हिंदुत्व हमेशा हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व हमेशा सनातन के बल पर चलेगा। इसलिए हमने कहा पहले ही कि हमारी सनातन हिंदू सेना अब यहाँ प्रकट होगी, इसका नेपाल राष्ट्र का अध्यक्ष हमारा किशोरी महंतो रहेगा। महाराज जी आपने जो बात बताई कि 5 लाख एकड़ हमें दे दे तो हम सबको जॉब दे देंगे बोल रहे थे, तो 5 लाख एकड़ आप तराई की तरफ से ले रहे, पहाड़ की तरफ से ले रहे, या आपकी कोई ऐसी कोई आबादी के लिए आपके लिए वो बात होने की तैयारी हो रही है इसलिए आपने ये जुबान खोली या क्या है? नहीं, मैं सभी प्रदेशों के अंदर से लूंगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह नहीं, एक ही जगह नहीं है, मैं सभी प्रदेशों का हूँ और मैं सभी प्रदेशों में करूंगा। मुझे सब चाहिए भाई, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे सभी चाहिए। आप बोलिए। जैसे कि आपने पेड़ पौधे की बात की, खुलकर बोला। हाँ, पेड़ पौधे की बात की, ये तो नेपाल में ऑलरेडी रह चुके हैं, हर जगह पे जाएंगे तो आपको पेड़ पौधे ही मिलेंगे। सही बोला तो एक नंबर। एक दूसरी बात जो आपने जड़ी बूटी की बात भी की जी। जैसे कि पिछली बार भारत के जो योग गुरु हैं उन्होंने भी ये तैयारी कोशिश की लेकिन कहीं पे सफल हुई कहीं पे सफल नहीं हुई,
आपकी वो जो नेपाल के लिए सहयोग करूंगा बोल के जो रकम की बात कर रही हैं, वो रकम आप कहाँ से जुटाएंगे, क्या है इसका स्रोत, क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब मेरे पास ऐसा है कि कई राष्ट्र के अंदर कई बैंक पड़ी है, और सबसे बड़ी स्विस बैंक तो पड़ी है। इस नेपाल देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुझे लिख के दे कि मुझे स्विस बैंक से इतना करोड़ चाहिए, वो ला के देने की जवाबदारी है जगत गुरु श्रीआचार्य की। खुल के बोलता हूं ना, कोई छुपाने का है थोड़ी, छुपाते वो लोग हैं जिसको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं तो अनुभव से पोक्त हूं। मैं भारत को भी लिख के दिया हूं, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बोला, यदि अगर आप चाहो, आज भी मैं कहता हूं, आप चाहो तो मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा देने लिए तैयार हूं, सिर्फ अपने पत्र लेटर पर लिख के दे दो इतना पैसा हमें चाहिए, और नहीं दिया तो पशुपतिनाथ के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण होता। बोलो, इतनी हिम्मत रखता हूं, आपसे कोई घुसखोरी नहीं चाहिए, आपको मैं किसी को घुसखोरी दूंगा नहीं। मैं किसी की घुसखोरी नहीं चाहता हूं, मैं किसी को घुस खिला के काम करवाना नहीं चाहता हूं, मैं तो वो चाहता हूं इस देश को ज्यादा से ज्यादा कैसा मिलेगा। अरे मैं 5 लाख लोगों को जब रोजगार दे ही रहा हूं तो आपको क्या चाहिए, प्रजा जनता सुखी चाहिए या आपका अकेले का पेट भरने का सुखी चाहिए? तो ऐसा कोई यहां मांगेगा नहीं, क्योंकि माननीय शेर बहादुर जी ये भी हमारे भक्त है, मुझे विश्वास है कि वो आज्ञाकारक रूप से इस कार्य को सफलता करने के लिए वो हमारे साथ सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। हमारे देश में अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भी हिंदू तो 95% है, तब भी यहाँ पे ईसाई और दूसरी धर्म के लोगों को बड़ी से बड़ी सहयोग और साथ मिल रही है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक तौर पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा अनुयायी है, वो कैसे मान लेंगे जब तक वो तो दूसरी दूसरी तरह की अनुयायी है, तो आपकी बात कैसे मानेंगे? आप क्या दृढ़ संकल्प लेके आए उसको बता दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो पक्ष चल रहा है एक पितृपक्ष चल रहा है, यदि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पितृ मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, तो मैंने तो उनको कहा है, क्या कहा कि लौट आओ, मैं आपके शुद्धिकरण करने के लिए बैठा हूं। मैंने पहले ही कह दिया है, अभी नहीं कहा है, पहले ही कहा हूं, आपके हर प्रश्न का जवाब मैं पहला दे चुका हूं, और जो समझने वाला है वो इसको दृढ़ रूप से समझ लेगा कि मेरे गुरु महाराज ने क्या बोला है, और करेगा, उसका कर्तव्य है, वो ना नहीं कर सकता है, फिर से उसको आना है चुनाव में, विजय भी होना है। तो जब जनता हिंदू एक होगी तो जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज जी का संकल्प भी पूर्ण करने के लिए सारा मंत्रिमंडल और सारा संसद ये जगत गुरु सूर्याचार्य के साथ होगा, एक कदम आगे होगा, ये भी आपको मैं विश्वास दूंगा। तो अब आगामी दिन में, आने वाले दिन में नेपाल में हिंदू राज्य बोल के संविधान में लिखेगा। इसके लिए मैंने कहा कि मुझे नरेश राजा जी का सहयोग चाहिए, राष्ट्रपति जी का सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का सहयोग चाहिए, और सनातनी सभी जनता का मुझे सहयोग चाहिए, क्यों मैं जनता के लिए कर रहा हूं। यदि जनता चाहती है कि मुझे मिलना चाहिए, मेरा घर संसार चलना चाहिए, मैंने कहा एक घर के पीछे एक एकड़, अब वो एक एकड़ जमीन के अंदर युग युग चलता रहेगा उसका कार्यक्रम, उसका घर कभी भूखा रहेगा ही नहीं, फिर उसको यहां से वहां जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो इससे अच्छा तो और कोई जगह नहीं। जगत गुरु सूर्याचार्य जी का संकल्प पूर्ण करने के लिए सब आएंगे आएंगे, कौन चाहेगा कि मैं भूखा रहूं। और तो और ये तो खाली एक पेड़ का बताया मैंने, ऐसे जितने प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देंगे वो सारे प्रोजेक्ट के लिए भी मैं धन दूंगा, फिर कौन भूखा रह सकता है। ऐसा कोई संत कहेगा नहीं, लेकिन मैं जब कहना चाहता हूं तो लिखावटी के साथ लेना चाहता हूं, मेरे से लिख के लो और आप भी लिख के लो। ये खाली स्तर एक नहीं है, मैं जनता से भी मांगूंगा कि जनता को यदि अगर घर में भूखापन खत्म करना है बोलेंगे मैं हिंदू है। तो आज आप यहाँ पे आने का, नेपाल आने का प्रमुख उद्देश्य, अंत में मैं पूछ रहा हूँ कि नेपाल आने का प्रमुख उद्देश्य आपका धार्मिक यात्रा है या राजनीतिक यात्रा है या हिंदू धर्म रखने के लिए, हिंदू राज्य बनाने के लिए ये यात्रा बना रहे हैं, क्या है आपका? देखिए है, मैं कोई राजनीतिक नहीं, फर्स्ट ओके, मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, मेरा सनातन धर्म बढ़े, मेरा सनातन धर्म आज 5% कम हुआ है वो फिर से लौट के 100% बने, मैं ये प्रोग्राम के लिए आया। ओके।